स्वामी परम प्रभा पर बड़ा ठक्र बड़ा भद्र जीव घटत निवास ब्रह्म सनातन माँ कपिल निवासी सुभद्री के ठकुरणी चक्रराज सुदर्शन भागवत प्रमेय पुरुषोत्तम क्रीड़ा पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र महाप्रभु राधारायण सरकार प्रेममयी वासुदेवमयी करुणामयी दयामयी स्नेहमयी अघटनापति अंबारी सुदक्षिणी जानक छत्रणी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज व्यसित जी महाराज जय नारायण भगवत अश्व परिषद समस्त देवादेवी समस्त अभय चरणार अभिन्नपति दंडवत प्रणाम ज्ञापन करुच्ची ये ग्राम पीठाधीश्वर एवं पीठाधीश्वरी कोणक अनुकूल विराज कही रही थे समस्त देवादेवी को नमन करी भागवत महापुराण तथा जग्य ज्ञान जग्य कर्णधार पूज्य श्री व्यस्य महाराज जी का चरण वंदन करी समस्त ब्राह्मण मंडली आचार्य मंडली धारक मंडली को प्रणाम करना अधिकार स्वस्थ दिवस विलंबी करा कर द्वितीय पर्याय आम समस्त उपवेशन कर मो सहित बात सहयोग कर मोर समस्त गुरु गुरुजन कलाकार बृंद जहां संयोग आयोजित वसुदेव सरकार जन बंदन कर संजोग मंचासन हबार अपूर्व सुजोग लाभ कर मृत्युंजय बाबा चरण बंदन कर एही दिव्य भव्य को परिवेश लाइट लाइट सुसज्जित ऑपरेटर बाबा तंत्र मध्य चरण वंदन कर दिव्य भव्य पावन दरबार कथा श्रवण करिबा पाई बसरे आसीथिबा नास्ति ए हरिपुर ग्राम प्रतिटि परिवार अंतवासी गण को डाकबाजी यंत्र माध्यम नमन करने सहित सर्वशेष अति सुंदर भाव सहन कर श्रेष्ठ प्रचेष्ट आज दिव्य भव्य मुहूर्त कर हमारो टेलीविजन कार्यकर्ता समस्त चरण बंदन करमयी मुहूर्त दरबार को आग को आगे ना पूर्व सब एक जी जो जो स्थान अच्छा महाप्रभु पवित्र दिव्य नाम को प्रचार महाप्रभु प्रभु आपठी अच्छा महाप्रभु अति सुंदर भाव कहले पति बड़ी जगन्नाथ दास महाप्रभु मुखरे श्रीमद भागवत महाप्राण श्रवण की
सत्संग कथा को श्रवण करने भक्त मान आग्रह प्रकाश करते जो मोर नाम संकीर्तन हुए जो मो नाम कमी रहे भक्त की विभोर मो कथा कीर्तन समय नाम संकीर्तन समय सत्संग Thank you.
आजी गण कले नारद महर्षि जाए जे कंस दरबार रे पहुंची गले कंस दरबार रे जते बेले पहुंची गले ना नारद महर्षि देखिले कंस बड़ा पपली त मन रे अछि आजी कंस मात्र जे नारद महर्षि कुमंत्रण दरबार लागले कहले रे कंस तू एते पपली त आनंदित जणा पड़छु अरे तू कोन जानिनु तोर जे शत्रु से जाय ब्रज करिले बढ़िवार लगे सेठ संगे संगे कौन कले ना कंस संगे संगे वसुदेव को ऊपर आगे क्रोधि कहि कहले आपको इठे जे निशेष करि गई आदि नारद महर्षि कहिया रे कंस तोर शत्रु होछि कृष्ण वसुदेव को मारिले कौन हबरे वसुदेव को मारिले कौन हबरे सेठ कंस माने माने कौन कला ना आज अपन लोग को आगे राखिला आज नारद महर्षि परामर्श देले कोटिए काम करे रामकृष्ण वे नै भाई ए मथुरा पुर को नै आ आउ निर्विघ्न रे यज्ञ टिए करे यज्ञ टिए काहे की करबा पई आज्ञा कहिले कहिले 500 दिन धरि यज्ञ करिबु जदी यज्ञ निर्विघ्न रे समापन करुना ताहेले कोन हम जानिछु ताहेले तो शत्रु जई होइ छै किंतु 5 दिन मधे यज्ञ करबा अवस्था रे जदि विघ्न उपजी गला ना ताहेले यजमान रो अमंगल हब आज आज्ञा कोन हेला ना आज कंस नारद महर्षि कर कुमंत्रण रे कोन करे ना कपुल को डाकिले कपुल को डाकि पठिले आज कौटि ना ब्रज करि आउ आज कपुल महाराज कोन करे ना ब्रज पुरी यात्रा करिवार लागिले कपुल जते बेले रथ सजाई आज्ञा जाउछन छी ना आज मने मने विचार करुछन छी मो केते केते कल्प तपस्या पूर्ण हबो मु स्वयं विश्व ब्रह्मांड नायक जी त्रिभुवन अधीश्वर जगत कर्ता परम कर्ता विश्व ब्रह्मांड नायक नारायण तांकु मो रथ रे बसेई रही आसिबी मने मने विचार करुछन छी कहले सतरे आज मोर केड़े वर्ष भाग्य आज महाप्रभु नाम को कुंड में धरी चंती एवं चलिवार धरी चंती गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे आगे आगे एवं जाय ब्रज पुरी पहुंच कर आज
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭାଇ ଆସିଲେ କକେଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି କକୁର ମହାରାଜ ଦେଖିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅକୁଲଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ନା କକୁର ମହାରାଜ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଆଜି ନନ୍ଦ ବାବା କକୁରଙ୍କୁ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କକୁର ମହାରାଜଙ୍କର କକୁର ମହାରାଜ ଆଜି ଯଦୁକୁଳର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ କାହାଙ୍କୁ ନା ନନ୍ଦ ବାବା ଯଦୁକୁଳର ଦୁଃଖ କଥା କହି ଆଜି ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇଙ୍କୁ ନବା କଥା କହିଲେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇଙ୍କୁ ନବା କଥା କହିଲେ ନା ମଥୁରା ପରୀକୁ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ବାବା ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କକୁର ମହାରାଜ କଣ କଲେ ନା ଆଜି କହିଲେ ହେ ନନ୍ଦ ବାବା ଆପଣ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଦି ଚାରିଟା ଦିନ ଭିତରେ ନା ପୁଣି ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ରଜପୁରୀରେ ଆଣି ଛାଡି ଦେଇଛି